आइए बच्चों करते हैं 7.1 का सातवां सवाल, बहुत आवश्यक प्रश्न है ये। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2.-5 और -2.9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा किस प्रकार के होते हैं, 0 प्रकार के। ये पहले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको अवश्य देख ले तो बहुत समझ में आएगा। तो अब हम लिखेंगे, माना अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर x,0। एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु A है जो x अक्ष पर स्थित है और इसके निर्देशांक हैं x,0, और ये कह रहा है दो बिंदुओं मान लीजिए B और C से ये बिंदु समदूरस्थ है, अर्थात AB और AC आपस में बराबर हैं और B के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। B के निर्देशांक हैं 2.-5, हमने अपने मन से एक बिंदु B ले लिया है और एक दूसरा बिंदु इसको C मान लिया हमने, -2.9 से ये समदूरस्थ है। तो यहाँ पर बच्चों AB और AC आपस में बराबर हमें दिया गया है। AB हमसे x का मान पूछा गया है, AB बराबर AC है, अगर AB और AC बराबर है तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग इसलिए बराबर कर रहे हैं कि बार बार हमें अंडर रूट का साइन ना लगाना पड़े। अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 AB के लिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यानी x2x है और ये 2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं सीधे सीधे, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - या ना लिखे के सीधे सीधे ही कर देते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बगल में लिख देंगे दूरी सूत्र से। तो यहाँ पर x2 - x1 यानी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0-5 यानी 0+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC। अब की बार ये x1 y1 हो जाएगा, तो x2 - x1 यानी x-2 यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0-9 का होल स्क्वायर। और ये कहाँ से लिखा हमने, रेफरेंस दे देते हैं, ये हमने लिखा है दूरी सूत्र द्वारा, डिस्टेंस फार्मूले से ये लाइन हमने लिख दी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो a² + b² - 2ab प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² + 2ab और 0-9 यानी 9 का वर्ग आ जाएगा 81। अब देखिए ज़रा x² से x² कट जाएगा, जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब x वाले पद एक तरफ लाते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 25 और 4 तो यहाँ पे आ गया -2x + 29 बराबर, यहाँ पर प्लस का 2x और -85 पक्षांतर कर लेते हैं, -2x इधर लाएंगे, ये भी माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 85-29। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 6, 15 और 7 में से 2 एक हाथ से जाएगा, 7 में से 2 घटे 5। तो अब x बराबर माइनस का 56/4 माइनस मन का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो अब ये आ जाएगा 4 × 4, 4 × 16 तो x का मान बच्चों आ गया -14 और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो ये डिस्टेंस फार्मूला की मदद से बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न बच्चों सॉल्व हो गया। बस हमें यहाँ पर क्या बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए थी कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हमेशा किस रूप में होते हैं, x,0 के रूप में। अगर यही प्रश्न होता कि बिंदु y अक्ष पर स्थित होता तो उसके निर्देशांक यहाँ पे हम लेते 0, y, ध्यान रखिएगा y,0 नहीं 0, y, और बिल्कुल इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेते, बहुत आवश्यक प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको कई बार लगा लीजिएगा। धन्यवाद।